तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 19। ठीक है दोस्त, इस रैपिड सेट 19 में साइंस से 20 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताता हूं, अब जो लोग पुराने हैं, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें कहने की हमें जरूरत नहीं है। तो नए हैं आप, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर शायद विजिट किए होंगे, उन्हें आपको बताते हैं कि दोस्त इस पे ना साइंस का स्पेशल तैयारी कराया जाता है एलपी और टेक्शन ग्रेड 3 के लिए। उसी से क्वेश्चन जो है क्या किया जाता है कि प्रोवाइड कराया जाता है आपका जो एग्जाम सीबीटी होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए। तो इस 19 सेट में क्या है ना कि 20 साइंस से काफी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा। और जो लोग पुराने हैं और जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें मैं बताता हूं कि दोस्त रैपिड सेट अब खत्म होने वाली है, यानी कि 20 सेट रैपिड का खत्म करके उसके बाद हम लोग साइंस को एक बार फिर से हुंकार भरेंगे, यानी कि साइंस को एक बार फिर से रिविजन करेंगे हम लोग। ठीक है, शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग थे जो साइंस हमसे नहीं पढ़ पाए थे, तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पर कि फिजिक्स एक बार फिर से दोहराया जाए, तो जी हाँ दोस्तों मैं फिजिक्स आपको एक बार फिर से दोहराऊंगा। तो जो लोग फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ। और ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ईआरसीबी सर के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहां पे टेस्ट जो है बिल्कुल निःशुल्क में मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिएगा कि इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे मटेरियल इस पे हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा देर नहीं करते हम, फटाफट क्या करते हैं कि रैपिड सेट 19 में जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं उसे देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, रैपिड सेट का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि उस इकाई का नाम क्या है जो प्रतिरोध को क्या करता है कि श्रृंखला में यानी कि सीरीज में कनेक्ट करने के बाद वह क्या रहता है कि स्थिर रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए तो वो क्या होगा कि चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, स्थिर रहेगा, वो इसमें से क्या है ऑप्शन में हमें यही जानना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि वोल्टेज स्थिर रहेगा, क्या ये स्थिर रहेगा, या दूसरा नंबर कहता है कि शक्ति स्थिर रहेगा, या तीसरा नंबर विद्युत क्षेत्र, चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है धारा। दोस्त सीरीज में कनेक्ट करते ही हमें इसमें से क्या है जो स्थिर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं करेक्ट आंसर कि दोस्त अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कीजिएगा तो जान लीजिए कि आपका करेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, बाकी आपका रेजिस्टेंस तो चेंज होता ही है, जैसे ही कनेक्ट कीजिएगा वैसे ही, और उसके बाद उसके बीच जो आपका वोल्टेज होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त इसमें आपका फोर्थ नंबर होगा करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा जान लीजिए, इसे समझ लीजिए, हम पैरेलल में भी आपको समझा देते हैं और सीरीज में भी समझा देते हैं, बने रहिएगा। देखिएगा जैसे कि मान लीजिए कि ये सीरीज में है, ठीक है, ये सीरीज में है, कनेक्टेड है सारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ये तीनों जो है क्या है कि सीरीज में कनेक्टेड है। अगर यहां से धारा को I को हम प्रवाहित करेंगे तो एंड तक के जो है I धारा ही जाएगा, बीच में कहीं जो है इधर दाएं बाएं नहीं जाने वाला है, तो ये चेंज नहीं होता है। लेकिन इसके बीच A1, A2, A और B के बीच जो है क्या होगा कि वोल्टेज जो होगा V1 होगा, फिर B से C के V2 होगा, C से D तक के जो है क्या होगा कि V3 होगा, तो ये वोल्टेज जो होता है क्या होता है कि चेंज होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस भी बदलता है, लेकिन आपका धारा जो होता है करंट जो होता है वो नहीं बदलता है, वो इस पॉइंट से जितना दीजिएगा उतना ही उस पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता है। अगर हम बात कर ले पैरेलल में समांतर क्रम में अगर आप रेजिस्टेंस को दोस्त कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या नहीं बदलेगा क्या बदलेगा ये भी जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि कहीं पैरेलल में दे दे, हम सीरीज ही पढ़ के क्यों रह जाए, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यह पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है R1, R2, R3, ये तीनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहां से अगर आई करेंट आप फ्लो कीजिएगा तो एगो ऊपर जाएगा I1, एगो सीधा जाएगा I2, एगो इधर जाएगा I3, तो धारा का मान जो है ये वितरित हो गया है, क्या हुआ धारा का मान वितरित हो गया, तो यहां पे धारा का मान चेंज होगा, लेकिन वोल्टेज का मान जान लीजिए कि वोल्टेज का मान चेंज नहीं होगा, वोल्टेज स्थिर रहेगा। तो पैरेलल में अगर हम लोग जाएंगे तो वोल्टेज का मान स्थिर रहेगा, सीरीज में जाएंगे हम लोग तो किसका मान स्थिर रहेगा, धारा का मान स्थिर रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीजें, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे या काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रैपिड सेट का, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त, क्या कहा जा रहा है इसमें कि गैस का कौन सा गुण जो है सिलेंडर में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं उसको भरने में मदद होता है। ठीक है, बड़ा सा सिलेंडर होता है, वो छोटे छोटे सिलेंडर में क्या करते हैं ना कि उसको आसानी से भर देते हैं, तो वो किस गुण धर्म के कारण जो है दोस्त हम पेट्रोलियम
एलपीजी जो है उसे हम भर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्त ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि दोस्त ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। किसके कारण हम लोग भर लेते हैं? तो उच्च संपीड्यता की वजह से, ठीक है, हाई कंप्रेसिबिलिटी जो होता है उसी गुण के वजह से हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम गैस को आसानी से छोटे सिलेंडर में क्या है कि भर लेते हैं। नहीं तो गैस के जितने भी अणु होते हैं वो काफी हटे हटे होते हैं, मतलब अलग होते हैं, और उसको हाई कंप्रेस्ड करते हैं तो उसके गैस के अणु क्या होते हैं कि एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से हम क्या करते हैं कि सिलेंडर में भर पाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, रैपिड सेट का तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा दोस्त, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम के अनुसार क्या होता है कि कक्षक में भरा जाना चाहिए। ठीक है, क्या करा जाना चाहिए? कक्षा में भरना जाना चाहिए। यह कथन जो है किससे संबंधित है? जी काफी इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन को उसकी एनर्जी के अनुसार बढ़ते क्रम में क्या होना चाहिए कि कक्षा में भरना चाहिए, यह किसका सिद्धांत है, किसने दिया था? काफी इंपोर्टेंट है, जान लीजिए। अगर आप पढ़े हुए हैं तो शायद आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि ये जो सिद्धांत दिए थे ये अपवायु साहब ने दिया था, यानी अपवायु का सिद्धांत था। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ये फर्स्ट नंबर अपवायु का सिद्धांत। अब इसमें जान लीजिए कि अपवायु के सिद्धांत में आखिर था क्या, अपवायु के सिद्धांत में था क्या? दोस्त अपवायु के सिद्धांत जो था वो ये चीजें था कि सबसे पहले क्या होगा कि एसपीडीएफ जो होता है ना कक्षा, उस एसपीडीएफ में कक्षा में सबसे पहले एस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करेगा, वो भी क्रमागत रूप से। एस जब पूरा पूरा भर जाएगा तो उसके बाद पी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, फिर पी को पूरा पूरा भरेगा, उसके बाद डी में जाएगा, डी को पूरा पूरा भरेगा, उसके बाद एफ में जाएगा, एफ को पूरा पूरा भरेगा। ठीक है, ये चार कक्षा होता है जो अपवायु ने दिया था आपको। हम बता देते हैं, जैसे देख लीजिएगा, ये सबसे पहले क्या करेगा ना दोस्त कि एस कक्षा को पूरा पूरा भरेगा। एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे? दो, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, अपवायु का सिद्धांत है, जान लीजिएगा। उसके बाद जो है पी में, एस के बाद पी में जाएगा, पी में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? चार जोड़ दीजिएगा, छह हो जाता है। तो पी में जो है छह इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, छह को पहले पी को भरना शुरू करेगा, पी जब पूरी पूरी से भर जाएगा उसके बाद जो है डी में जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद छह, उसके बाद यह क्या होगा कि 10 हो जाता है, डी में कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि पूरी पूरी जो है डी में भरना शुरू करेगा, जब डी भर जाएगा उसके बाद जो है 14 फिर क्या होता है कि एफ में जाना शुरू करता है, एफ को भरता है। तो ये सिद्धांत जो है अपवायु साहब ने ही दिया था, जो इलेक्ट्रॉन से है कि उसके एनर्जी के अनुसार क्या होगा कि भरना शुरू करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है कि एक परिमाण का क्या है कि एक बल है, एक परिमाण का एक बल है और एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो कार्य कर रहा है, तो पिंड का त्वरण जो है वो किस पर निर्भर करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। और ये है किसका, ये भी बता देंगे आपको। तो आपको देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि उसके बॉडी जो होता है उसके मास पे डिपेंड करेगा, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, ये आपका जो है होगा त्वरण जो होगा मास पे डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी में क्या है कि आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ी हुई है, उसी के अनुसार ना फॉर्मूला निकलता है एफ बराबर एम इंटू ए। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या क्या कहा गया है कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं कि बल कहते हैं। ठीक है, अब उसी से बल का सूत्र प्राप्त होता है ना न्यूटन के। तो द्रव्यमान जो होता है वो त्वरण जो होता है, किसी भी वस्तु का त्वरण जो होता है उसके मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा बॉडी के। तो ये आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर जो है दोस्त करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला नंबर क्या कहा जा रहा है कि यदि हम कपूर को किसी खुले बर्तन में अगर रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि दोस्त वह घटती रहती है लेकिन वह लिक्विड अवस्था में नहीं आएगी, जान लीजिए ये चीजें, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो उस घटना को क्या कहते हैं यही हमें जानना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारा ऑप्शन दे रखा है, आप जान लीजिए कि कपूर है, कपूर सबसे अच्छा जो है क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन का जो एग्जाम्पल्स होता है, उर्ध्वपातन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको होता है। तो ये उर्ध्वपातन होगा आपका। ठीक है, फोर्थ नंबर जो है क्या होगा कि आपका सप्लीमेंट जो है एग्जाम ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। जान लीजिए कि कपूर को थोड़ी देर रख दीजिए, उसको वातावरण में छोड़ दीजिए, बर्तन में रख के थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाएगा। तो वो क्या होता है ना कि बाष्पित हो जाता है, वो द्रव में भी रह जाता है। तो जब कोई वस्तु क्या होता है ना ठोस से द्रव में ना आकर के डायरेक्ट लिक्विड में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको उर्ध्वपातन कहते हैं, या
गैस से द्रव में ना करके सीधा जो है ठोस में आता है तो भी उसको उर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरे स्टेज जो होता है पदार्थ की, उस स्टेज में ना आकर के सीधा थर्ड या फर्स्ट वाले स्टेज में जब कन्वर्ट होता है तो वो सब्लिमेशन कहलाता है, उर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है ना कि कोलाइडी कण को अगर देखिएगा तो वह जिग जैग जो है क्या करता है कि गति करता है, जिग जैग मोशन करता है, तो उसे क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। जिग जैग कहने का मतलब क्या होता है कि टेढ़ी मेढ़ी, जैसे मन करे वैसे टेढ़ा मेढ़ा जो है गति कर लेना, वो जिग जैग मोशन होता है, तो उस गति को क्या कहते हैं यही हमको जानना है। जान लीजिए आपको हम बताते हैं दोस्त, आपको ये थर्ड नंबर ऑप्शन होगा क्या, ब्राउनी गति। अब ये जान लीजिए कि ब्राउनी गति, ब्राउनी गति के नाम से ही पता चलता है कि टेढ़ी मेढ़ी जो गति होता है, जिगजैग जो गति होता है, वो ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति इसलिए कहलाता है कि इसका खोज ही ब्राउन साहब ने किया था और अपने ही नाम पे उन्होंने इस गति को रख दिया था। उन्होंने सबसे पहले पानी में कोलाइडी कण को गति करते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पर क्या कर लिया कि इसका नाम जो है ब्राउनी गति रख दिया था। उनका पूरा नाम जान लीजिए कि वो तो खैर ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है, जो उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, और उन्होंने ही सबसे पहले पानी में कोलाइडी कण को गति करते हुए देखा था, और उसी समय उन्होंने क्या किया कि अपने ही नाम पे जिग जैग जो मोशन कर रहा था उसको ब्राउनी गति नाम दे दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पहले तो ऐसे ही होता था, चाहे अभी भी होता है कि जो इन्वेंट करता है अपने नाम पे ही रख लेता है ताकि अपना नाम रोशन हो सके, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो कण है कुछ दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, दोनों कणों के द्रव्यमान को क्या किया जाता है ना कि दोगुना कर दिया जाता है। अब बीच की दूरी जो रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तब उसके बीच जो कण के बीच क्या होता है ना कि गुरुत्वाकर्षण जो बल लगेगा उसका मान क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाली बातें हैं, लेकिन इस पे हमने कई बार जो है सवाल जो है आपको बता दिया है और आते भी है ऐसे सवाल। देख लीजिए आपको जैसे बताते हैं कि ये दो पिंड ले लीजिए, तो ये दो पिंड जब ले लेंगे तो एक पिंड का M1 ले लेते हैं, एक पिंड का जो है M2 ले लेते हैं, ये दोनों को क्या किया जाता है ना कि दोस्त दोगुना कर दिया जाता है, तो 2M1 हो जाएगा, 2M2 हो जाएगा। इसके बीच की दूरी R ले लेते हैं, इस पे फोर्स जो है F लगेगा, जब F फोर्स लगेगा तब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हम लोग करेंगे गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, F बराबर दोस्त होता है कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अब देख लीजिए द्रव्यमान दोनों है, दोनों को दोगुना कर दिया जाता है, जब दोगुना करेंगे दोनों को तो M1 और M2 के जगह पे 2M1 और 2M2 रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल G इंटू 2M1 इंटू 2M2 बाई R स्क्वायर, जब गुना करेंगे तो दो दुना चार हो जाएगा, चार को साइड कर लीजिएगा तो 4 इंटू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर, मतलब कितना गुना हो गया दोस्त, चार गुना हो गया, ठीक है। तो उसके बीच जो होगा पिंड के बीच जो बल लगेगा वो कितना गुना लगेगा दोस्त, चार गुना लगेगा, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, चार गुना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको, क्या कहा जा रहा है कि एक साधारण पेंडुलम किस प्रकार की ऊर्जा होती है, एक साधारण पेंडुलम जो होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है जब वह क्या होता है कि मध्य स्थिति पर होता है, ध्यान रखिएगा किस स्थिति पे होता है, किस पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे होता है, मध्य स्थिति में होता है, तब उसकी बातें किया जा रहा है। जान लीजिए मीन पोजीशन पे ना हो तब फिर अलग हो जाएगा उसमें एनर्जी, इसलिए यहां पे दर्शा दिया है कि मीन पोजीशन, नहीं तो सीधा कह देता कि एक पेंडुलम में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन ये ना कह करके आपको मीन पोजीशन भी दे दिया है, एक मध्य स्थिति दे दिया है। तो जान लीजिए कि जब पेंडुलम जो है आपको गति करेगी तो उसमें जो होगा दोस्त स्थितिज ऊर्जा होगी, क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। जान लीजिए ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। वैसे आप जान लीजिए कि पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम जो होता है उसमें क्या होता है ना दोस्त की उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है, पेंडुलम में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि रेटिना पर क्या है कि एक स्पष्ट छवि बनाने के लिए फोकल लंबाई की जो परिवर्तन होती है दोस्त वो क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए फोकल लेंथ की जो लंबाई होती है रेटिना पर वो जो होता है वो आपका समायोजन होता है, क्या होता है, समायोजन। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, समायोजन करने का मतलब क्या होता है दोस्त कि फोकल लेंथ को घटा बढ़ा कर करना, मतलब अगर आपको दूर नहीं दिखाई दे रहा है तो फोकल लेंथ को बढ़ा देगा, नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही है तो फोकल लेंथ को कम कर देगा, मतलब एक एडजस्ट करना जो होता है वो एडजस्ट कर देता है फोकल लेंथ को, जिसकी वजह से आप क्या होता है कि आप
आराम से दूर की वस्तु या जहां आपको दिखाई नहीं दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है या नजदीक की नहीं दिखाई दे रही है, उसके अनुसार जो फोकल लेंथ को घटा बढ़ा करके एडजस्ट किया जाता है, उसी को समायोजन कहते हैं या समायोजन पावर कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीजें, तो इसलिए ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर दोस्त हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि विभांतर का दूसरा नाम क्या होता है। ध्यान रखिए, विभांतर का दूसरा नाम पूछा जा रहा है कि विभांतर का दूसरा नाम क्या होता है। जान लीजिए कि पहले की विभांतर होता क्या है, तो दो बिंदु होता है उसके विभव होते हैं, दोनों विभवों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं कि विभांतर होता है। विभांतर का दूसरा नाम जो होता है दोस्त वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज या वोल्टता हम लोग कहते हैं, वो चीजें होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, वोल्टेज। वोल्टेज या कहिए या वोल्टता कहिए, दोनों बात ही बराबर ही है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा धातु है जिसे जल में डालने पर क्या होता है कि वह तैरने लगता है। जी हाँ, जल में डालते ही धातु क्या होगा कि तैरना शुरू कर देगा। तो इस ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्या? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैल्शियम क्या होता है कि जल में जैसे डालिएगा वैसे क्या होगा कि फ्लोट करना शुरू कर देगा। अब क्या सच में, मतलब कि क्या सही में, मतलब कैल्शियम सिर्फ एक धातु है जो जल में रखेंगे तो वो तैरना शुरू कर देगा? तो नहीं दोस्त, कैल्शियम के अलावा भी धातु है जिसको जल में हम क्या करेंगे कि रखेंगे तो तैरना शुरू कर देगा। जैसे कि लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम वैसे है लेकिन पोटेशियम से ज्यादा फ्लोट वो करता है, इसलिए हम उसको ऑप्शन में ले लेते हैं। पोटेशियम भी फ्लोट करता है लेकिन उतना नहीं करता है, सोडियम भी फ्लोट करता है, ठीक है। तो सोडियम तो वैसे जल से अभिक्रिया भी कर लेता है। अब जान लीजिए कि फ्लोट क्यों करता है, जैसे कि ये है आपका, तो ये कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है, जैसे ही पानी में रखेंगे ना वैसे क्या होता है कि पिंडी में इसके बुलबुले आने लगते हैं। अब बुलबुला आने लगता है तो ये क्या करता है कि इसको ऊपर उठाने का काम करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि फ्लोट करना शुरू कर देता है, मतलब तैरना शुरू कर देता है पानी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस तत्व को रसायन में क्या है कि आवारा तत्व का संज्ञा दिया गया है। जी हाँ, आवारा मतलब जानती ही होइएगा, जो मतलब कहीं भी घूमता रहता है, कहीं भी मंडराते रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि आवारा कहते हैं। तो आवारा इसमें किस तत्व को कहा गया है यही हमको जानना है। जान लीजिए, आपको हम बताते हैं दोस्त, आवारा तत्व जो कहा गया है आप जान लीजिए कि करेक्ट आंसर आपका हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा गया है, जान लीजिए कि अपने ब्रह्मांड में जो है सबसे स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो दोस्त अपना हाइड्रोजन ही है। क्या है? हाइड्रोजन ही है। सबसे वायुमंडल के ऊपरी सतह पर अगर देखा जाता है हाइड्रोजन ही है, और इसीलिए क्या होता है वो कहते हैं ना कि दोस्त इस तत्व को आवारा कहते हैं कि कहीं भी घूमते रहता है ये। जान लीजिए कि हाइड्रोजन में क्या होता है ना कि रिंग और प्लस जो है धन दोनों बनाने की क्षमता होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनाने की इसमें क्या होती है कि कैपेसिटी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि ऑडियो और वीडियो का टेप पर जो होता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है लेपित रहता है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है। अब ऑडियो वीडियो का क्या होता है कि टेप नहीं आता है, अब तो चिप चल गया है ना, चिप मेमोरी, ठीक है, तो वो चल गया है। अब उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ऑडियो वीडियो जो भी होता है वो प्ले करते हैं। लेकिन पहले के समय में अगर आप 10 साल पीछे चले जाइएगा तो दोस्त ऑडियो वीडियो का टेप हुआ करता था, उसी पे क्या होता था कि रसायन पदार्थ का लेप लगा होता था। तो वो किस तरह का लेप होता था ये हमें जानना है। तो जान लीजिए, आपको बताते हैं कि दोस्त ये फर्स्ट नंबर क्या, आयरन ऑक्साइड का उस पर लेप होता था। आयरन ऑक्साइड का लेप, रील जो कहते थे, जो कैसेट चलता था वो रील होता था, शायद आपको कहीं देखे होंगे तो आपको पता होगा वो रील क्या होता था ना कि दोस्त वो ब्राउन कलर का होता था। क्या होता था? जैसे जंग नहीं लग जाता उस तरह का ब्राउन कलर का उस पे रहता था। तो उसी पे उसका क्या होता था ना कि आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता था, ठीक है। उस पट्टी पर क्या होता था ना कि सूचना दर्ज होता था, ठीक है, जो भी हो, जो भी चीजें दर्ज करना है उस पे वो दर्ज किया जाता है उस पट्टी पे। लेकिन अब क्या है ना कि अब तो मेमोरी आ गया है, तो मेमोरी में ये सवाल पूछ देता है कि मेमोरी जो है किससे बनी होती है, तो सेमी कंडक्टर जो होता है सिलिकॉन उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि फोटोग्राफी में अस्थाई कर के रूप में जो है प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है आपको बताना है। तो फोटोग्राफी में जो है अस्थाई कर, मतलब कि दोस्त
अस्थाई के रूप में, स्टेबलाइजर के रूप में कहा जा रहा है कि जो है आपको किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटोग्राफी में स्टेबलाइजर अस्थाई कर के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो दोस्त ये सेकेंड नंबर आपका इस्तेमाल किया जाता है, क्या? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में अस्थाई कर के रूप में। जान लीजिए कि दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि फोटोग्राफी में पहले के समय में जो इस्तेमाल किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो बनती थी उसमें किसका इस्तेमाल होता था? दोस्तों उसमें जो है आप सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखिएगा उसमें। तो अगर दे दे कि नहीं ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो बनती थी या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। या इसी में अगर जो है सोडियम आपको जो है मान लीजिए कि थायोसल्फेट नहीं देता, सोडियम ब्रोमाइड दे देता, तो सोडियम ब्रोमाइड जो है मार देते, लेकिन अस्थाई कर नहीं देता, सीधा देता कि फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तब हम उस कंडीशन में जान लीजिए कि सोडियम थायोसल्फेट न मार करके हम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड मार देते हैं, लेकिन ये इसमें अस्थाई कर दे दिया है इसलिए हम सोडियम जो है सल्फेट को मारेंगे। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है उसको हाइपो के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेकर के चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है दोस्त। ये चीजें कहा जा रहा है कि लहसुन होता है, प्याज होता है, तो उसमें जब काटिएगा तो अजीब तरह का स्मेल आता है ना, तो वो इसमें से किसकी मौजूदगी के वजह से वो स्मेल आता है, ये इसमें कहा जा रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते खास करके लहसुन की बातें कर लेते हैं, लहसुन की, तो उसमें क्या होता है ना कि सल्फर होता है, वैसे प्याज में भी होता है, तो लहसुन प्याज जो स्मेल आती है उसमें सल्फर की वजह से आती है, ध्यान रखिएगा। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, किसके वजह से दोस्त? सल्फर के वजह से क्या होता है कि गंध आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नमकीन पानी लोहे में क्या होता है कि पाइप के जंग लग करके क्या होता है कि चटका देता है। चटकने के बाद इस प्रक्रिया को मतलब क्या कहते हैं? जैसे कि नमकीन पानी होती है, तो नमकीन पानी अगर लोहे पे अगर कुछ समय तक रह जाए तो उसमें जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद लोहा चटक जाता है। चटकने का मतलब क्या होता है? कहीं से दरार आ जाए या फट जाए या टूट जाए, ये चीजें होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये चीजें इसमें कहा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए उसको जो कहते हैं चटकना जो होता है उसको जो दोस्त कहते हैं कोरेजन, यानी कि ये फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा, कोरेजन यानी कि संक्षारण, संक्षारण कहते हैं, ठीक है? जंग लगना मतलब क्या? संक्षारण होना, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो किसके द्वारा संश्लेषित की जाती है? जी हाँ, दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है? जान लीजिए कि प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है वो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पूछे जाते हैं दोस्त, आप पूछा भी गया है, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा, पूछा गया है ये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर कहा जा रहा है इसमें कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। जी हाँ, दालचीनी जो है किस भाग से प्राप्त की जाती है पेड़ से, पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दालचीनी जो होता है दोस्त पेड़ का जो छाल होता है, मतलब पेड़ का पपड़ी जो होता है, ऊपरी भाग जो होता है, उसी से क्या होता है कि दालचीनी प्राप्त किया जाता है। तो पेड़ की छाल आपका करेक्ट आंसर होगा, ये थर्ड नंबर, पेड़ की छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। दालचीनी अभी से देखिएगा ना तो आपको खुद देखने से ही लग जाएगा कि ये पेड़ का ही पपड़ी है, जो बाहरी परत जो होता है सो देखने से पता लग जाएगा, तो पेड़ की छाल से ही प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला नंबर को देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जींस बने होते हैं दोस्त, किससे जींस बने होते हैं ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर दोस्त ये आपका थर्ड नंबर होगा, डीएनए। डीएनए से क्या होता है ना कि जींस बने होते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको हम बताते हैं कि डीएनए जो जींस जो होता है वो डीएनए का ही खंड होता है। क्या होता है? डीएनए का ही एक खंड होता है, जिसमें क्या होता है ना दोस्त कि एक तरह के कहिए तो उसमें जो है एक सूचना का जो होता है ना वो भंडार होता है, सूचना का भंडार होता है। एक अगर मानव में देख लिया जाए, स्वस्थ मानव में, तो जान लीजिए कि डीएनए कितने लगभग होते हैं दोस्त, जीन जो होते हैं वो 20,000 से लेकर के जान लीजिए कि 35,000 के आसपास में जीन्स होते हैं, ठीक है? हर एक कोशिका के कहिए, हर एक कोशिका में, पूरे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक कोशिका में जीन्स की बातें कर रहे हैं, तो हर एक कोशिका में 35,000 से 35,000 तक के जीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है? अब वो आरएनए जो होता है आपका कण, उसके लिए क्या करता है ना कि कोड प्रदान करता है, जिसके वजह से कि देखते हैं फिंगर होता है या सूचना उचना हो जाए होता है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि पूर्वजों का जो है पता लगाया जाता है, इंफॉर्मेशन होता है वो उसमें भंडारित होता है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, यह है अपना
लास्ट क्वेश्चन दोस्त, क्या कहा जा रहा है कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए यानी नियंत्रित करने के लिए इसमें से किस खनिज का इस्तेमाल किया जाता है यानी आवश्यकता होती है। तो हृदय के अगर धड़कन को कंट्रोल करना है तो जान लीजिए कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्त ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? पोटेशियम। पोटेशियम खनिज का क्या होता है कि जरूरी होता है। अब जान लीजिए कि सिर्फ पोटेशियम खनिज का ही जरूरत नहीं होता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल कर, वैसे मेन रूप से दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम ही होता है, इसके अलावा भी होता है जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी होते हैं दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मैग्नीशियम और जो है आपका जान लीजिए कि कैल्शियम नहीं दिया है, इसलिए पोटेशियम मेरा क्या होगा कि परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना रैपिड सेट का 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सेट 19 में था। अब अगले दिन क्या होगा कि 20वां सेट आएगा रैपिड सेट का, उसके बाद आपको हम क्या करेंगे कि रैपिड सेट एंड कर देंगे, उसके बाद हम लोग एक बार हुंकार भरेंगे, फिर से साइंस को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा हम लोग से और क्या कीजिएगा, चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए दोस्त, इस एप्लीकेशन को फटाफट क्या कीजिए कि डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्री में टेस्ट आपको एएलपी ऑटोकेशन ग्रेड 3 के लिए यहीं पे देने के लिए मिलेगा। ठीक है, कैसे देना है अगर आपको पता ना चले तो दोस्त ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको हम हेल्प कर देंगे कि कहां से टेस्ट देना है। एक बार पता लग जाएगा तो आसानी से टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो चलिए फटाफट इसे डाउनलोड कर लीजिए जाकर के प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये सभी को अगर आपको चाहिए दोस्त पीडीएफ, तो क्या कीजिएगा कि आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं से आप क्या कीजिए कि फटाफट ज्वाइन हो जाइए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं। चलिए ज्यादा अब देर नहीं करते हैं, अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेट में, अगले सेशन में। तब तक इजाजत दीजिए हमें। जय हिंद दोस्तों।